गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड करना है, जिसके लिए आपको दिया है मैट्रिक्स 4 3 x 5 इज इक्वल मैट्रिक्स वाई जेड 1 5। ये दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का सिंबल बना है, इसलिए आप इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। और जब इक्वल मैट्रिक्स होता है तो उसके ऑल करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी A11 पहले मैट्रिक्स का इक्वल होगा दूसरे मैट्रिक्स के A11 के, और इसी प्रकार A12 इक्वल होगा A12 के, A21 इक्वल होगा A21 के, A22 इक्वल होगा A22 के। क्लियर? यानी ऑल करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे अगर दोनों दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का सिंबल बना है तो। अब आप कंपेयर कर देंगे, यहां ये मैट्रिक्स में एक्स की वैल्यू इसके बराबर होगी, किसके? 1 के बराबर। ये इस मैट्रिक्स का ये कौन सा वैल्यू है आप देख रहे हैं, A21 के बराबर होगा, यानी एक्स इज इक्वल 1, y इज इक्वल 4 एंड z इज इक्वल 3। यानी दोनों मैट्रिक्स में कंपेयर करके ऑल करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे। क्लियर? तो आपको यहां पर रिक्वायर्ड वैल्यू x इज इक्वल 1, y इज इक्वल 3 एंड z इज इक्वल 5 रिक्वायर्ड वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, इसी का सेकंड पार्ट देखें आप। दो मैट्रिक्स इक्वल में है और दोनों में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स वाई जेड की वैल्यू कंपेयर करने पर ऑल एलिमेंट्स इक्वल हैं, ऑल एलिमेंट्स को कंपेयर करने पर आपको यहां पर क्या मिल रहा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 6 एंड 5 प्लस जेड इज इक्वल 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल 8। ये आपको इतनी वैल्यू प्राप्त हो रही है कंपेयर करने पर। दूसरे वैल्यू 5 प्लस जेड से हमने वैल्यू जेड का यहीं पर निकाल दिया और आपको जेड इज इक्वल क्या दिखाई पड़ने लगा, 0। अब हमारे पास दो इक्वेशन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 6 को हमने नंबर 1 कह दिया, एक्स वाई इज इक्वल 8 है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। इन दोनों इक्वेशन से हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 आप देख रहे हैं वाई इज इक्वल 8/x, ये वैल्यू हम कहां ले जाके पुट करेंगे, नंबर 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या पा रहे हैं वाई की वैल्यू रखने पर, एक्स प्लस 8/x इज इक्वल 6। सॉल्व कर देंगे आप, सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल 6x, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल 0। 6x को हम इधर ले आए। अब आप इसको देख रहे हैं, आपका ये फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू आप फाइंड करना जानते हैं फैक्टराइज करके, इसको आप फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने पर आपको पेयर जो मिल रहा है 4 × 2 का, 4 × 2 ऐड करने पर 6 प्राप्त हो रहा है, उस फैक्टराइज से आपने एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दो फैक्टर आपको मिलेंगे, एक तो एक्स माइनस 4, दूसरा एक्स माइनस 2 इक्वल है 0 के। पहला फैक्टर हम लेते हैं एक्स माइनस 4 इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल 4, एक्स इज इक्वल अगर 4 है तो वाई कितना हो जाएगा, यहीं पर वैल्यू निकाल दीजिए, 8/x है तो वाई की वैल्यू 2 मिल जाएगी। दूसरा फैक्टर लीजिए, एक्स माइनस 2 इज इक्वल 0 है तो एक्स इज इक्वल 2 तो वाई इज इक्वल 4, हेंस एक्स इज इक्वल 2r4, वाई इज इक्वल 4r2 एंड जेड इज इक्वल 0। तीनों वैल्यू ये आपने निकाल दिए और यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यानी आपको दो मैट्रिक्स जब इक्वल दी रहेगी तो आपको करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देना होगा, और इक्वल करके जो भी वैल्यू निकालनी है आप उसको निकालेंगे। आ जाइए थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपका क्या कह रहा है, ये भी इक्वल मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, ऑल करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 9 होगा, एक्स प्लस जेड इज इक्वल 5 होगा एंड वाई प्लस जेड इज इक्वल 7 होगा।
तीनों को हमने कंपेयर करके इक्वेशन 1, 2 और 3 कह दिया। अब आपके पास तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। पहला जो इक्वेशन में आपके तीनों वेरिएबल इस्तेमाल है, दूसरे में दो है, तीसरे में भी दो है। पहले इक्वेशन में हम इक्वेशन नंबर आप पहले इक्वेशन को आप किस प्रकार लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड है, इसको हमने क्या लिख दिया, x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल 9 कह दिया, क्योंकि x प्लस जेड की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में जानते हैं 5। और अब हम x प्लस जेड की वैल्यू 5 रखने पर हमें तुरंत y इज इक्वल 4 मिल गया। इसी प्रकार फिर इक्वेशन 1 का यूज करेंगे आप, x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है इज इक्वल 9, y प्लस जेड की वैल्यू ऑलरेडी आपको 7 प्राप्त है, तो x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पर हमने क्या रख दिया 7, x प्लस 7 इज इक्वल 9, तो x इज इक्वल 2, आपको x की वैल्यू मिल गई। इसी प्रकार फिर इक्वेशन नंबर 1 से x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 9 है, x और y की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, x और y की वैल्यू दोनों को रख देंगे, 2 प्लस 4 इज इक्वल 2 प्लस 4 प्लस z इज इक्वल 9, तो z इज इक्वल 9 माइनस 6, तो z इज इक्वल 3। यही आपके रिक्वायर्ड x y z होंगे। आपको इन क्वेश्चनों में जहां पर इक्वल मैट्रिक्स दिया होगा वहां पर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे, और करेस्पॉन्डिंग वैल्यू को इक्वल करने पर जो रिलेशन मिलेगा उस रिलेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल बताया जाएगा। थैंक यू।